फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूं और आई होप अभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है द पर्पल जार, जिसकी राइटर है द मारिया एजवर। मारिया एजवर जो है उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। और स्टोरी में बताया गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी यूज़ की या आपकी इंपॉर्टेंस की नहीं होती है, तो आपको उन सब चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, या फिर उन सब चीज़ों की अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको उन सब चीज़ों को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, या फिर जिस चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है उसको, मतलब आपकी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए आपको कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा है। तो उसी चीज़ को बताते हुए कि आपकी ज़रूरतें आपको किस प्रायोरिटी के साथ देखनी चाहिए या किस तरह से रखनी चाहिए, उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। तो दो कैरेक्टर हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक लड़की है जिसका नाम है रोजमंड और उसकी मॉम है, वो दोनों शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं। लंदन की एक स्ट्रीट पे ये लोग शॉपिंग की तरफ निकले हुए हैं, कार में बैठे हुए हैं, और आगे की तरफ जो उनका सर्वेंट है या ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है और वो लोग पीछे की तरफ देख रही है। रोजमंड जो है वो हर तरफ देखती है, उसको हर तरफ की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही है। उसको लगता है कि हर किसी दुकान पर रुक जाऊँ और उसको उन सारी चीज़ों को निहार लूँ या सारी चीज़ें खरीद लूँ, ऐसा उसको लगने लगता है। पर वो चाहती है ऐसा, पर ऐसा हो नहीं पाता और वो हमेशा उसकी मॉम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। फिर उसकी मॉम के साथ जब वो उतरती हैं और उतरने के बाद जब वो सब चीज़ें देखती हैं तो उसको ऐसा लगता है कि माँ क्या हम ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं? तो माँ बोलती है बेटा ये सारी चीज़ें खरीदने लायक नहीं है, इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आगे इधर बढ़ते हैं। सबसे पहले वो एक आर्टिस्ट शॉप पे पहुँचते हैं। आर्टिस्ट की शॉप पे पहुँचने के बाद वो वहाँ पर रिबन्स और आर्टिफिशियल फ्लावर्स को देखती है, तो बोलती है माँ कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, माँ इन्हें आप खरीद लीजिए। माँ बोलती है बेटा इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर वो बोलती है माँ आप इनको ज़रूरत का बना लेंगी, प्लीज़ आप इन्हें खरीद लीजिए। पर माँ बोलती है नहीं बेटा इनकी कोई ज़रूरत नहीं, नहीं खरीदने, और आगे चल देते हैं। उसके बाद वो ज्वेलरी शॉप पे पहुँचते हैं, तो ज्वेलरी शॉप में माँ को बोलती है माँ कुछ ले लो। माँ बोलती है नहीं बेटा इसमें से कुछ ऐसा है ही नहीं जो हमारे काम का है। तो बोलती है माँ ये बक्कल तो ले लो, बक्कल बहुत काम के हैं। पर माँ बोलती है बेटा ये बक्कल भी हमारे इतने काम के नहीं है, हम इसको अभी नहीं लेंगे। ठीक है, उससे थोड़ा सा आगे जाते हैं और फिर एक केमिस्ट की शॉप पे पहुँचते हैं। तो केमिस्ट की शॉप पे उसको एक पर्पल जार दिखता है, कई सारे जार दिखते हैं, उसमें एक पर्पल जार भी होता है। तो बोलती है माँ ये जार खरीद दो। माँ बोलती है नहीं बेटा ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो बोलती नहीं मैं इसका फ्लावर पॉट बना लूँगी, आप प्लीज़ इसे खरीद लीजिए। पर वो माँ बोलती है नहीं बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है। तब बोलती माँ और उसको माँ को देखती पूछती है कि आपके पास पैसे नहीं है? तो माँ बोलती है हाँ बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, और मेरे पास जितने हैं उसकी मैं वही चीज़ खरीदूंगी जिसका हमारे लिए कोई यूज़ हो। ठीक है, फिर वो उसको बोलती है कि माँ कुछ तो ले लो। माँ बोलती नहीं बेटा। तभी वो एकदम से बोलती पैर को ऊँचा करके बोलती माँ मेरे पाँव में कुछ है। तो वो देखती उसको और पूछती बेटा क्या हुआ मेरे पाँव में? तो बताती है कि माँ इस होल की वजह से इसमें पत्थर घुस जाते हैं, उसके शूज़ जो होते हैं रोजमंड जो होते हैं उसके शूज़ होते हैं उसके अंदर बहुत बड़ा होल हो चुका होता है, तो उसके अंदर क्या पत्थर घुस रहे होते हैं, उसकी वजह से वो पत्थर को बहुत चुभ रहे होते हैं और उसकी वजह से उसको कभी कभी थोड़ा सा विकन से चलने में प्रॉब्लम होती है, उसको काफ़ी पेन हो रहा होता है। तो वो बोलती है कि बेटा ये कैसे हुआ? तो बोलती है कि माँ ये तो काफ़ी पुराने वगैरह फट चुके हैं। तो माँ बोलती है कि तुम्हें तो शायद जूते की ज़्यादा ज़रूरत है। बोलती है ठीक है। फिर उसकी माँ उसे बोलती है कि बेटा अगर उससे जस्ट थोड़े से आगे चलते हैं और वो एक जो शू मेकर होता है वहाँ पहुँचते हैं जूते की दुकान में, और उसको बोलते हैं कि बेटा यहाँ चलते हैं। तो वो बोलती है हाँ मुझे जूते की काफ़ी ज़रूरत भी है, चलो वहाँ पे चलते हैं। वहाँ जाने के बाद उन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्कशन चल रहा है। तो वहाँ पे जो पर्सन है उनका नाम है मिस्टर सोल, वो कस्टमर बहुत ज़्यादा होने की जैसे बिजी हैं अभी, तब तक दोनों आपस में साइड में बैठ के बात कर रही थी। तब माँ उससे पूछती कि बेटा ये जगह वैसी है बाकी जैसी तुम लोग दूसरी दुकानें देखते वैसी है? बोले नहीं माँ, बाकी सारी दूसरी दुकानें तो बहुत रंगीन और बहुत अच्छी है, यहाँ पे तो कितना अंधेरा और हर तरफ जूते ही जूते हैं, ये दुकान उतनी अच्छी नहीं है, पर ठीक है क्योंकि मेरी ज़रूरत है तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगी। तभी माँ उसे पूछती है कि तुम यहाँ से कौन से जूते खरीदना चाहोगी? तो उसको बोलती है कि मैं माँ ये छोटे वाले जूते मेरे को अच्छे लग रहे हैं, वो मेरे फिट भी हो जाएंगे, मैं ये खरीद लेती हूँ। तब माँ उसको बोलती है कि बेटा सोच लो कि तुम कौन से जूते खरीदना चाहती हो। तो बोलती है नहीं माँ मैंने सोच लिया है। फिर माँ को बोलती है कि माँ मैं पर्पल जार भी खरीदना चाहती हूँ। पर माँ बोलती है नहीं बेटा मैं तुम दोनों में से एक ही चीज़ दिलाऊंगी, या तो पर्पल जार या ये जूते, तुम देख लो कि तुम्हें कौन सी चीज़ खरीदनी है। तो माँ को बोलती नहीं नहीं माँ मुझे दोनों चीज़ खरीदनी है, मुझे दोनों प्लीज़ खरीद दीजिए। तो वो बोलती है नहीं नहीं तुम सोच लो, और अगर तुम अगर पर्पल जार खरीदती हो तो मैं अगले महीने ही तुम्हें ये शूज़ दिला पाऊंगी, इस महीने तुम्हें बिना शूज़ के या फटे शूज़ के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। वो बहुत सोचती है, एक पाँव में जूता डाल लेती है और एक पाँव में जूता पहनने के बाद काफ़ी सोचती है उसको लगता है नहीं, उसको वो चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही होती। तो बोलती नहीं माँ मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। माँ बोलती बेटा सब चीज़ परख के अपनी चीज़ों को सोच समझ के बताओ कि तुम्हें क्या चीज़ खरीदनी है, वो पर्पल जार ये या फिर ये जूते। तो वो फाइनली बहुत कुछ सोचने के बाद और अट्रैक्शन की वजह से बोलती है कि नहीं माँ मुझे तो वो पर्पल जार ही चाहिए, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। तो माँ बोलती चलो ठीक है फिर यहाँ से चलते हैं, और वहाँ से वो चल देते हैं। जाते जाते सर्वेंट को उसकी माँ बोलती है सर्वेंट को कि जाओ तुम वहाँ से वो पर्पल जार ले आना। वो वहाँ से पर्पल जार खरीदने के लिए चले जाता है और वो घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद वो
गार्डन में जाती है, वहाँ से सारे फ्लावर्स तोड़ के ले आती है और वो बोलती है कि माँ मैं सारे फ्लावर्स मैं उसमें लगाऊंगी, जो मेरा पर्पल जार आने वाला है उसके अंदर मैं उसको फ्लावर पॉट बनाऊंगी उसी में लगा दूंगी। तो माँ बोलती है बेटा इतनी जल्दी क्यों तोड़ लिए, उसको आने में अभी वक्त है, ये सारे फूल मुरझा जाएंगे। बोलते नहीं नहीं मुरझाएंगे, मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट है, मैं प्लीज़ उसको आने दूँ। जब शाम होती है काफ़ी लेट हो चुका होता है, सर्वेंट जब उसको लेके आता है तो वो फटाफट से माँ को बोलती है माँ प्लीज़ मैं ले लूँ उसमें फूल लगा लूँ। बोला हाँ ठीक है। जैसे ही वो उस जार को खोलती है तो जार में से बहुत गंदी सी बदबू आती है और कुछ काला काला सा लिक्विड उसको दिखता है। तो वो बहुत गंदी स्मेल की जैसे उसको बोलती है माँ ये बहुत गंदा लिक्विड है, तो वैसा नहीं है जैसा मैं देख रही थी कि बाहर से तो पर्पल जरूर दिख रहा है पर ये अंदर से अच्छा नहीं दिख रहा है। तो माँ को बोलती माँ इसको मैं खाली कर देती हूँ। तो माँ बोलती ठीक है तुम जैसा समझोगी कि तुम्हारी अपनी इच्छा तीन सब चीज़ों खरीदने के लिए तुम चाहो जो कर सकती हो। जाती है सारा लिक्विड खाली कर देती है। लिक्विड खाली करने के बाद वो जो पर्पल जार होता है वो पर्पल की बजाय सिर्फ ट्रांसपेरेंट जार हो जाता है, जो नॉर्मल जार जो होते हैं कांच के उसी के जैसा हो जाता है। तब वो अपनी माँ को बोलती माँ मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, ये तो बहुत ऑर्डिनरी जार दिख रहा है, मुझे ये जार नहीं चाहिए था और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे शायद जूते ही ले लेने चाहिए थे। तभी ये बात हो ही रही होती है कि अगले दिन उसके डैड होते हैं, वो बोलते हैं कि चलो हम लोग आज जो ग्लास हाउस है वहाँ घूमने जा रहे हैं तो सब तैयार हो जाओ। सब तैयार हो जाते हैं तो रोजमंड भी तैयार हो जाती है। रोजमंड तैयार होती है पर उसके बाद जूते अच्छे नहीं होते हैं। जूते अच्छे नहीं होने के साथ साथ वो बहुत चीज़ें फेस कर रही होती है। तब सब कुछ अच्छा पहनने के बाद हैट और सब कपड़े अच्छे पहनने के बाद जब जूते पहन के बाहर आती है तब उसके डैडी उसको देखते हैं, उसको बोलते हैं बेटा ये क्या पहना है तुम लोगों ने, तुम्हारा सब कुछ अच्छा है पर तुम जाके जूते चेंज करके आओ। बोलती पर मेरे पास कोई जूते नहीं है क्योंकि मैंने इस महीने के जूते खरीद लिए थे और इस महीने मम्मी मेरे को जूते नहीं दिलाई क्योंकि मैंने इस तरह से डिसाइड कर लिया था कि मैं शूज़ खरीदूंगी पर्पल जार खरीदूंगी शूज़ नहीं। तो उस चक्कर में डैडी उसको बोलते हैं कि नहीं तुम कहीं नहीं चलोगी, ऐसे जूते मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊँगा, तुम यहीं रुको। और फिर उसको काफ़ी रिग्रेट होता है कि काश मैंने वो चीज़ खरीदी होती जो मेरी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट या ज़्यादा यूज़फुल थी, मुझे परखना चाहिए था, सारी चीज़ों के ऊपर सोचना समझ के डिसीजन लेना चाहिए था पर मैंने डिसीजन नहीं लिया, इसकी वजह से मैं आज पछता रही हूँ। और वो बहुत दुखी होती है और उसे लगने लगता है कि आज के बाद मैं हमेशा जब भी डिसीजन लूँगी तो सोच समझ के और पूरी तरह से परख के ही डिसीजन लूँगी। ये थी अच्छी स्टोरी, कैसी लगी अच्छी स्टोरी आपको मुझे लिख के ज़रूर बताएं और प्लीज़ कमेंट ऑन माय वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग। बाय।